शी लुक्ड ओवर हिज शोल्डर, वो कह रहे हैं कि उसकी मदर उसके फिर शोल्डर को देखती है, उसकी ढाल को देखती है और वो उम्मीद करती है कि फोर एथलीट्स एट देयर गेम्स, के कुछ एथलीट्स होंगे, कुछ खिलाड़ी अपने गेम को खेल रहे होंगे, अपने खेल में लग रहे होंगे। एथलीट्स एट देयर गेम्स, के कुछ खिलाड़ी अपने खेल को खेल रहे होंगे। मैन एंड वीमेन इन अ डांस, और यहाँ पर मैन एंड वीमेन यानी मर्द औरत डांस कर रहे होंगे। मूविंग देयर स्वीट लिम्स, अपने जो स्वीट लिम्स हैं, अपने जो उनके शरीर के अंग हैं, उनको जो है थरका रहे होंगे, यानी थिरकना, डांस पर जो थिरकते हैं उसके लिए लाइन है कि मूविंग के वो उनके थिरक रहे होंगे, स्वीट लिम्स उनके शरीर के अंग थिरक रहे होंगे गाने में। क्विक क्विक टू म्यूजिक, यानी बहुत जल्दी जल्दी उनके शरीर के अंग, उनके शरीर के जो पार्ट्स हैं, वो जल्दी जल्दी म्यूजिक के साथ में थिरक रहे होंगे। जैसे कि डांस में जो मोमेंट होती है आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि म्यूजिक के साथ में जल्दी 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 उनके शरीर के अंग थिरक रहे होंगे। बट देयर ऑन द शाइनिंग शील्ड, लेकिन उस शील्ड पर वो क्या देखती है, बट देयर ऑन द शाइनिंग शील्ड, उस चमकती हुई ढाल पर वो देखती है कि हिज हैंड्स हैड सैट ऑन डांसिंग फ्लोर, यानी हिज हैंड जिस जो ढाल अखिलेश ने अपने हाथ में ली हुई है, नो डांसिंग फ्लोर, वहां पर कोई डांसिंग फ्लोर नहीं है। उम्मीद करती है थेटिस उसकी माँ के कुछ जो है लोग वहां पर नाच रहे होंगे, वो थिरक रहे होंगे, लेकिन वो देखती है कि उस ढाल पर तो कोई डांसिंग फ्लोर ही नहीं है, बट अ वीड चोक्ड फील्ड, वीड चोक्ड फील्ड माने एक बेकार सा घास का भरा हुआ मैदान है, बेकार सी घास है उसमें, और बस वो मैदान नजर आ रहा है, डांसिंग फ्लोर नजर नहीं आ रहा। देखें कि अ रेग्ड अर्चिन एमलेस एंड एलोन, रग्ड अर्चिन, रग्ड माने बिल्कुल दुष्ट सा, अर्चिन माने भी बेकार सा, यानी एक दुष्ट सा, एक जालिम सा, एमलेस बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी काम के, एंड एलोन और बिल्कुल अकेला क्या कर रहा है, फ्लोटेड यानी वो बस इधर उधर भटक रहा है, आवारागर्दी कर रहा है, इसके माने आते हैं आवारागर्दी करने के। अबाउट दैट वैकेंसी, उस तन्हाई में, कि एक अकेला बेकार सा जालिम बिना किसी काम के जो है भटक रहा है, आवारागर्दी कर रहा है। दैट वैकेंसी यानी जो है उस टाइम पे बिल्कुल बेकार में ही वो सब कर रहा है। अ बर्ड फ्लू अप टू सेफ्टी, और एक जो बर्ड है, एक जो पक्षी है, फ्लू अप टू सेफ्टी, वो पूरी हिफाजत के साथ में उड़ रहा है, फ्रॉम हिज वेल एम्ड स्टोन, क्योंकि उसका शिकार किया जा रहा है, कोई बंदा है जो एक पक्षी का शिकार कर रहा है, और वो पक्षी उस जो है वेल, इसका मतलब यह जो अच्छे से निशान उस पर लगाया गया है परिंदे पर, तो वो परिंदा उस निशाने से बचकर उड़ रहा है सेफ्टी के साथ में। That girls are raped, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पर लड़कियों का रेप किया जा रहा है, लड़कियों का रेप हो रहा है। That two boys knife a third, और दो लड़के मिलकर एक लड़के का कत्ल कर रहे हैं, knife माने चाकू से कत्ल कर देना, कि दो लड़के मिलकर तीसरे लड़के का कत्ल कर रहे हैं। Were exams to him, और ये कह रहे हैं कि यही यहाँ पर सिद्धांत बने हुए हैं, कि दुनिया के यही सिद्धांत रह गए हैं कि वो जुल्म करो, जो भी हो सके करो, लेकिन बस करो कुछ, है ना, यानी गलत काम करना अब दुनिया में सिद्धांत बन चुका है, एग्जाम्स हमारे सिद्धांत बन जाना। Who had never heard of any word where promise were kept, कह रहे कि who had never heard, और शायद अब किसी कोई इस बात को नहीं सुनेगा, of any word के किसी भी जगह पर, where promise were kept, जहां पर इंसान अपने वादे को पूरा कर रहा हो, कि शायद अब इस पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं है, who never heard, जहां पर इस बात को सुना जा सकता हो कि promise were kept, कि हाँ इंसान अपनी बात को पूरा कर रहा है, अपने वादे को पूरा कर रहा है। और one could weep, और एक इंसान इसलिए रोता है because another wept, क्योंकि दूसरा रो रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि किसी दूसरे को देखकर रोने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक इंसान एक काम को इसलिए कर जाता है क्योंकि वो काम दूसरे लोग कर रहे हैं, वो अच्छा है बुरा है उसका कोई मतलब नहीं होता, बस दूसरों को देखकर ही हम बहुत सारे काम कर जाते हैं, यानी एक को देखकर दूसरे का रोना, यानी किसी की तरह से काम कर लेना बिना किसी सोचे समझे। ये लास्ट स्टैंजा है, देखते हैं। द थिन लिप्ड आर्मर हैबिटस, हैबिटस वो बंदा है जो कि अखिलेश की जो शील्ड है उसको बनाता है, जो एक लोहार है वो है ये हैबिटस। कह रहे हैं कि होबल्ड अवे, होबल्ड अवे यानी लंगड़ा कर चलना, होबल्ड माने लंगड़ा कर चलना, अवे माने चले जाना, कि जो हैबिटस आर्मर है, जो हैबिटस लोहार है जो कि शील्ड तैयार कर रहा है, वो क्या करता है, होबल्ड अवे, वो लंगड़ा कर वहां से चला जाता है। अब थेटिस, ये नाम थेटिस का भी आ गया है लास्ट में, के थेटिस ऑफ द शाइनिंग ब्रेस्ट ब्रीस्ट,
कह रहे हैं क्राइड आउट इन डिसमे, ये कह रहे हैं थेटिस भी देखती है ओव द शाइनिंग ब्रेस्ट, जो एक चमकती हुई वो ढाल है, वो चमकती हुई ढाल को वो देखती है, क्राइड आउट इन डिसमे, और इसको देखकर वो बेचैन हो जाती है। यानी जब थेटिस अपने बेटे के ब्रेस्ट माने सीने के आते हैं, जब थेटिस अपने बेटे के सीने पर उस ढाल को चमकता हुआ देखती है तो उसको देखकर वो परेशान हो जाती है। At what God had wrote, ये कह रहे हैं to please her son, के at what God के जो देवता है उसने इसको रोट माने गढ़ना, ढाल को गढ़ना, के देवता ने इस ढाल को क्यों गढ़ा है, to please her son, उसके बेटे को खुश करने के लिए, के इस देवता ने इस ढाल को उसके बेटे को खुश करने के लिए गढ़ा है, उसके बेटे को खुश करने के लिए बनाया है इस ढाल को। लेकिन वो तो देवता है, थेटिस भी भविष्य देख सकती है, और जो थेफिस्टस है, सब लोग तो देवता है, भविष्य देख सकते हैं, लेकिन थेटिस को पता है कि यह ढाल बहुत खूबसूरत तो लग रही है, शाइनिंग पूरी तरह से चमक रही है, और शायद अखिलेश भी इस ढाल को लेकर बहुत खुश नजर आ रहा है। प्लीज हर सन, उसका बेटा भी काफी खुश है, लेकिन द स्ट्रोंग आयरन हार्टेड मैन स्लेइंग अखिलेश, लेकिन जल्द ही जो अखिलेश है, जो कि आयरन हार्टेड है, जो बिल्कुल शेर की तरह दिल रखता है, वो स्लेइंग, वो जल्द ही मारा जाएगा। थेटिस इस बात को लेकर कैसी है, क्राइड आउट इन डिस में वो बेचैनी से चिल्ला उठती हैं, बेचैनी से करा उठती हैं कि जल्द ही उसका बेटा जो आयरन हार्टेड अखिलेश है वो मार दिया जाएगा। सिले माने कत्ल हो जाना, कि जल्द ही उसका गला काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा उसको। वो कुड नॉट लिव लॉन्ग, लिव लॉन्ग माने अब वो ज्यादा लंबा नहीं जी सकेगा, ज्यादा दिन तक नहीं जी सकेगा, और जल्द ही उसको भी कत्ल कर मार दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पोयम पूरी हो गई है। सुनने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। शी लुक्ड